हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं CKP स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं छोटू कुमार, जो कि आज का जो मेरा क्लास होगा क्लास 10th का, जो कि मॉडल पेपर ऑफ साइंस का होगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि स्टडी से रिलेटेड मेरा कोई भी वीडियो होगा तो आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो समय को ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में तो कि 25 क्वेश्चन तक का मैंने बात कर लिया था, तो यहाँ पर जो कि 26 क्वेश्चन से मैं बात करूँगा यहाँ पे। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिका क्या है। सिलिका एक जो ऑप्शन दिया हुआ है, सिलिका क्या है, तो ऑप्शन ए में धातु होता है, या धातु, या उपधातु, या कोई नहीं। तो सिलिका जो होता है, नहीं धातु होता है, नहीं अधातु होता है, नहीं उपधातु होता है। सिलिका जो होता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो नाइट्रोजन में अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, 4। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, आप उसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि जो कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है CO3, बी में कर रहा है MsHCO3/2, सी में है CaSO3/2, डी में है मैग्नीशियम CO3/2। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 28 का, जो मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए CaSO3 जो होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो कि है 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए होगा, NaCO3 जो होता है सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि -CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया कीटोन, बी में जो कि एलिटहाइड, सी में जो कि अल्कोहल, डी में कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 30 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी, जो कि एल्डिहाइड जो है, जो कि -CO3 का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, एल्ड्रिहाइड कहते हैं। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है सबसे कठोरतम तत्व कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया गया पत्थर, बी में हीरा, सी में कार्बन, और डी में ऑक्सीजन। सबसे कठोरतम तत्व कौन है, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 31 का, जो कि ऑप्शन बी होगा, हीरा जो है बहुत कठोर तत्व होता है हीरा, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है कह रहा है कि अक्रिय तत्व कौन है। तो अक्रिय तत्व कौन है, तो ऑप्शन ए में कार्बन, बी में हीलियम, सी में सोना, डी में हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 32 का, जो कि ऑप्शन बी होगा, हीलियम जो है अक्रिय तत्व है। ठीक है, हीलियम, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में परमाणु आयतन, बी में परमाणु घनत्व, सी में परमाणु द्रव्यमान, डी में परमाणु संख्या। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 33 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी होगा, परमाणु संख्या, जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है हीलियम गैस, हीलियम कैसा तत्व है। तो ऑप्शन ए में अक्रिय होता है, बी में कह रहा है क्रियाशील, सी के में सक्रिय, डी में उदासीन। तो हीलियम कैसा तत्व होता है, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए होगा, ठीक है, अक्रिय होता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है। तो ऑप्शन ए में बीज, बी में भ्रूम, सी में खून का थक्का, डी में इनमें सभी। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 35 का, जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी होगा, ठीक है, 35 का, सॉरी ऑप्शन डी होगा, इनमें सभी। यानी कह रहा क्वेश्चन कह रहा था निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है। तो बीज भी बन सकता, बीज भी बनता है उसमें, भ्रूण भी बनता है, खून का थक्का भी बनता है, यानी ऑप्शन में ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा, इनमें से सभी। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कर अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का क्या उदाहरण है, तो ऑप्शन ए में दिया गया कर्ण, प्लब की पेशिया, बी में जो कि है पुच्छ, जो कि कशेरुकाएं, डी सी में कह रहा है निषेचक पटल, डी में इनमें सभी। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 36 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा इनमें सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मक, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मक में जो कि ये हो, सॉरी ये होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर मेरा बिल्कुल मिस्टेक हो गया था, भ्रूण जो होता है निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मक में क्या
पाया जाता है तो भ्रूण पाया जाता है, ठीक है, आप उसे याद रखेंगे। यहाँ पर जो 36 का होगा जो कि ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 करा, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी में निर्माण होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए में प्रथम शोषी स्तर का, बी में करा तृतीय शोषी स्तर का, सी में तृतीय जो कि पोषी स्तर का, डी में करा चतुर्थ पोषी स्तर का। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 37 का दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी होगा, तृतीय शोषी स्तर जो है एक आहार का श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, तृतीय स्तर में होता है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो कि 38 करा, मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में क्लोरोफिल में पाया गया है, बी में करा लाल रक्त कण में, सी में करा जो कि बर्गी लवण कण में, डी में करा श्वेत रक्त कण में। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 38 का, जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए होगा, क्लोरोफिल में जो कि यह मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 करा, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, क्या है? ऑप्शन ए में रक्त है, या श्वेत ग्रंथि है, वृक्क है जो कि अग्नाशय है। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 39 का, जो मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी होगा, वृक्क जो होता है मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग, वृक्क होता है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, नेक्स्ट क्वेश्चन, खुला जो कि परिसरण तंत्र पाया जाता है, तो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए में मनुष्यों में पुरुष में पाया गया है, बी में करा घोड़े में, सी में करा कॉकरोच में, डी में करा स्त्री में। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, खुला परिसरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी होगा, कॉकरोच में वो पाया जाता है। खुला परिसरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो कॉकरोच में, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो कि 41, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है जो कि उच्च रक्तचाप, बी में मधुमेह, सी में घेघा, डी में जो कि है बोनापन। तो यहां पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 41 का, जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी होगा, मधुमेह जो है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो मधुमेह होता है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 करा, तंत्रिका तंतु की जो कि उत्पत्ति किस प्राथमिक उत्तक द्वारा होता है? तो ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए में है जो कि है एक्टोडर्म, बी में जो कि मीसोडर्म, सी में जो कि इंड्रोडर्म, डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 42 का, जो कि ऑप्शन सी होगा, इंड्रोडर्म जो है तंत्रिका तंतु की उत्सर्जी किस प्राथमिक उत्तक द्वारा बनता है? तो इंड्रोडर्म के द्वारा उसे बनता है, ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 करा, मनुष्य में जो कि मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है पोषण में है, या शोषण में है, या उत्सर्जन में है, या परिवहन में है। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 43 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी होगा, उत्सर्जन में। मनुष्य में विक्र एक जो कि तंत्र का भाग है जो कि संबंधित है उत्सर्जन से, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा है दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो ऑप्शन ए में दिया गया अपघटन क्रिया, बी में प्रकाश संश्लेषण, सी में जो कि किण्वन, डी में उत्सर्जन। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 44 का, जो मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी होगा, ठीक है। किण्वन जो है दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन होती है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 करा है, मानव मात्रा में मादा में निषेचन होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए में गर्भाशय में होता है, या अंडाशय में होता है, या योनि में होता है, या फैलोपियन में नालिका में होता है। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 45 का दोस्तों, जो कि ऑप्शन डी होगा, फैलोपियन जो है नालिका में जो होता है, मानव माता में जो कि निषेचन होता है फैलोपियन नालिका में होता है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अगैलिक जनन होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए में हाइड्रा में होता है, या मटर में होता है, या शैवाल में, या प्लाज्मिडियम में होता है। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 46 का, जो कि ऑप्शन ए होगा, जो कि हाइड्रा में होता है, ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन जो द्वारा जो कि होता है ये अलैंगिक जनन होता है, जो कि हाइड्रा में होता है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
47 का रहा अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया अमीबा में, बी में ईस्ट जो कि ईस्ट में, सी में जो कि है प्लाज्मेडियम में, डी में जो कि है लेस्मानिया में। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 47 का जो दोस्तों जो कि ऑप्शन बी होगा, ईस्ट में जो कि है अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन प्राग का रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है कि प्राग कोष में होते हैं क्या होते हैं? ऑप्शन ए में जो कि बाह्यदल होते हैं, या अंडाशय होते हैं, या जो कि है अंडप होते हैं, या प्राग जो कि प्रागकण होते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 48 का जो कि ऑप्शन डी, जो कि प्रागकण जो होता है प्राग कोष में होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप तो यहीं पर मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। अगर आप वीडियो को पसंद किए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।